खूंटी जिला के नवयुक्ति टीजीटी शिक्षकों द्वारा आज जिला शिक्षा पदाधिकारी से मिलकर उन्होंने अपने लंबे समय से लंबित वेतन भुगतान को लेकर आज शिक्षा पदाधिकारी से अपनी बात रखी। उन्होंने बताया कि हाई कोर्ट के द्वारा नियोजन नीति को निरस्त करने के उपरांत CGTTCE 2016-13 जिलों की शिक्षक नियुक्ति प्रभावित हो गई है, लेकिन शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का आदेश विभाग द्वारा नहीं आया है। इसलिए शिक्षकों ने शिक्षा पदाधिकारी से आग्रह करते हुए कहा उनका वेतन नहीं रोका जाए। इसी के साथ P3 न्यूज झारखंड के लिए खूंटी से गौरव कश्यप की देखे एक रिपोर्ट। खूंटी जिला में हम, आपका नाम क्या हुआ? स्वदेश कुमार है, बोलिए बताइए। खूंटी जिला में हम लोग आए हुए हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में अपने लंबित वेतन भुगतान को लेकर। बहुत दिनों से देखा जा रहा है कि यहाँ पर खूंटी जिला में हम लोग का वेतन जो है समय भुगतान नहीं होता है, जिससे सभी शिक्षकों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाईकोर्ट के द्वारा आदेश आने के उपरांत नियोजन नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है, और लेकिन विभाग के द्वारा जो है वेतन भुगतान प्रक्रिया पर रोक लगाने का भी कोई आदेश नहीं आया है। फिर भी हमें हमारा लंबित वेतन भुगतान अभी तक नहीं हो रहा है, जिससे हमें बहुत दिक्कत हो रहा है। और कुछ शिक्षकों को एक साल तक भी अभी तक हम लोग को वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा लंबित वेतन भुगतान अविलंब हो, जिससे हमारा गुजर बसर आसानी से हो सके। नहीं करते। मेरा नाम सोनी खलको है, मैं यहाँ खूंटी जिला से नवे शिक्षकों के साथ आई हूँ। अपने जितने बकाया हमारा वेतन रुका हुआ है उसको किस तरह से निकाला जाए, इसके लिए डीओ मैडम से भेज करके बात करने के लिए आए हुए थे। और डीओ मैडम का कहना यही है कि बाकी जिले इस तरह से भुगतान करेंगे तो हम यहाँ से भी भुगतान किया जाएगा, तो हम लोग बस अगले आदेश का इंतजार कर रहे हैं। सरकार से यही अपेक्षा करते हैं कि वो हमारी समस्याओं को समझे और उसका निराकरण करे, ताकि हमारा भी नुकसान ना हो और उनका भी नुकसान ना हो, ताकि वो हम उनके लिए काम करते हैं और वो हमारे लिए भी कुछ सपोर्ट करें। बस यही हमारा कहना है।